शांति, ओम शांति। मीठे मीठे बहन भाई, आगे पीछे वाले मिलकर के बोलो ओम शांति। कितनी खुशी की बात है, इतना बड़ा परिवार देख। बाबा तो कितना खुश होता है, पर हम बच्चे भी क्या करें। इतनी खुशी बाबा देता है, बाबा खुशी अपनी देता है हमको, पर परिवार को देख करके जो खुशी होती है ना, इसकी मैं नहीं समझती हूँ, मैं शब्दों में बता सकती हूँ। हमारे जैसे बाबा की खुश, बाबा का प्यार शब्दों में नहीं बताया जाता है, वैसे परिवार से मिलन का खुशी शब्दों में नहीं बताया जाता। ये खुशी होती है क्योंकि क्लब पहले, बहुत अच्छा, आधा क्लब से बिछड़े हुए है ना, बिछड़े वो तो भूल, बिछड़ना तो भूल गया, बिछड़ना जो पहले बिछड़े हुए थे ना, तो मुझे पहले पहले जब बाबा से मिली ना, तो बिछड़ना भूलता नहीं था। बाबा कहती फिर भी बिछड़ेंगे क्या बाबा, फिर ये याद नहीं है, अच्छा नहीं लगा, फिर से बिछड़ेंगे। अभी बिछड़ना भूल गया है, मिलन मनाने में इतना मस्त हो गए हैं, जो बस फकीरानो साहब लगना प्यारा, मस्त फकीर बन गए, मस्त ना हो बन गए, फकीर बन गए हैं। फकीर माना बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर में रहने वाले। अच्छा अभी बैठे याद प्यास सुन के, धारणा का साथ सुन के, पहले मैं बोलूंगी वंडरफुल बाबा की आज जो मुरली है ना, वंडरफुल मुरली है, खास मुरली बाबा की हम बच्चों के लिए जो मुरली है ना, मैं नहीं समझती हूँ कभी हमारे को ये आज की मुरली भूल सकती है। मुरली तो सदाई याद है, पर ए आज की खास मुरली बाबा की क्या है, वो मैं पीछे फिर से रिपीट करेंगी, जो मेरे दिल में लग गई है बात। पहले बोलो अभी मीठे मीठे, बोलो मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। दाना के लिए मुख्य सार, ये सबा को देख बाबा कला रहा है, बाबा की आकर्षण वंडरफुल है, सबको खींच के कैसे मधुबन ले आता है। ओके, दाना के लिए मुख्य सार, बाप सम्मान, माँ दानी बनना है, सबको सुख शांति का वर्षा देना है, ज्ञान को धारण कर प्रगाना है। एक ही लाइन में, माँ दानी बनना है, सबको सुख शांति का वर्षा देना है, ज्ञान को धारण कर प्रगाना है। दूसरा, बेहद नाटक को देख सदा हर्षित रहना है, प्रभु की लीला, ये ड्रामा विचित्र है कितना, इसका स्मरण कर मजे में रहना है। समझ गए, प्रभु की लीला है ये ड्रामा, कितना विचित्र है, इसका स्मरण कर मजे में रहना है। और दादी किसको बोलूं, मुख्य भाई बैठे, इसको इशारे में कह देना,
या मूली उपर दादी मीटिंग हाल की मीटिंग हाल में इसी हाल में ये कौन है मेरा भाई वल्लभ को कहती हूँ इसके पीछे ही बैठे इसके पीछे ही बैठे हाल के पीछे हाल हाल के पीछे वाले कमरे में बैठेंगे नहीं दादी की मीटिंग हाल में छोड़े लगे अच्छा वरदान स्वमान में स्थित रहे हद के इच्छाओं को समाप्त करने वाले स्वमान में स्थित रहे हद के इच्छाओं को समाप्त करने वाले इच्छा मात्र अविद्या भव जो स्वमान में स्थित रहते हैं उन्हें कभी भी हद का मान प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है कितना सहज है जो स्वमान में स्थित रहते हैं कभी भी हद का मान प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती है एक स्वमान में सर्वहद की इच्छाएं समा जाती है मांगने की आवश्यकता नहीं रहती है हद की इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती है एक हद की इच्छा एक हद की इच्छा अनेक इच्छाओं को उत्पन्न करती है और स्वमान सर्व इच्छाओं को सहजी संपन्न कर देता है इसलिए स्वमानधारी बनो तो सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाएंगे अप्रापत्ति व इच्छाओं की अविद्या हो जाएंगी अप्रापत्ति व इच्छाओं की अविद्या जानते नहीं हो उसको स्लोगन हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड लेने वाले हर परिस्थिति स्वयं को मोल्ड कर लेने वाले ही रियल गोल्ड है हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड करने वाले रियल गोल्ड है ओके ओके समझ गए बाबा की मुरली को अच्छा रियल गोल्ड कौन जो जो भी परिस्थिति आवे ना उसको मोल्ड कर लेवे ऐसे ऐसे कर लेवे परिस्थिति यहाँ है हम यहाँ आ गए चेंज हो गए ओके अच्छा अभी 5-7 मिनट हम आप लोगों से रूबरू करेंगी मुख्य रूवरयान में ये बात आज की मुरली के अनुसार जो बाबा ने वार वार समझाया है ड्रामा त्रिभुलीला है कभी भी कोई बात से कुछ भी हो जाए घृणा ना आवे ड्रामा की नॉलेज सदा हर्षित मुख बनाती है आत्मा की नॉलेज शांतचित बनाती है परमात्मा बाप की नॉलेज शक्ति स्वरूप बनाती है तो आज अमृत वेले ये पता नहीं घड़ी घड़ी ख्याल आता था जो बाबा ने कहा है तुमको बाबा से क्या मिलता है स्वमान में रहने की अभी तो स्वमान में रहने के लिए ज्ञान मिला है पर कई आत्माएं हैं जिसकी भावना से बाबा का बन करके कई बात कई सारी लाइफ भावना के आधार से चले हैं परंतु बाबा समझाते हैं बच्चे ज्ञानी तो आत्मा ज्ञान को मंथन कर एक मंथन करना बाबा का उगाना जैसे खाना खाते हजम करना खाना खाते जो हजम करते हैं हजम होता है उससे जो शक्ति मिलती है वो सारे दिन में तो क्या सारी लाइफ में काम आती है तो मैंने सोचा वर्षे में क्या मिला है दादी वर्षे में क्या मिला है शक्ति मिली है
बाबा कहते बाप और वर्षा, जब बाबा कोई कहीं कोई भी बात आती है, बाप माना वर्षा, वर्षे में क्या मिला, शक्ति, शक्ति एक शक्ति नहीं, शक्ति माना मास्टर सर्वशक्तिवान से हर प्रकार की दुनिया में रह, संगम पर रहते हुए, जो संगम पर है ना, जब तक सत्युगी राजा हाथों में आवे तब संगम पर न वो दुनिया से तो निकल आए, और ये अपनी जो दुनिया है ना, अपनी जो संगम पर दुनिया है ना, उसमें थोड़ा अभी जो जैसे वरदान मिला, कोई भी इच्छा भी है ना, वो भी अच्छा नहीं है। ये ऐसे क्यों करता है, ये क्यों हुआ, ये भी अच्छा नहीं है। तो ऐसी ऐसी बातें जो उत्पन्न होती है अपने आप को, जो योग युक्त बने नहीं देती है। बाबा की इच्छा है हम योग युक्त रहें, युक्ति युक्त रहें, योग युक्त, युक्ति युक्त, युक्ति युक्त वो होगा जो योग युक्त होगा, योग युक्त वो होगा जो ज्ञान युक्त होगा। ज्ञान से अनेक प्रकार की भिन्न भिन्न युक्तियां, भिन्न भिन्न विधियां ऐसी मिलती है जो सहज सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। इसके पहले जो अव्यक्त मूली थी, जो बाबा ने 12 विद्या सिद्धियां सुनाई थी, तो 12 सिद्धि कितनी वंडरफुल बाबा ने सुनाई। तो अब विधि ऐसी कोई न कोई अच्छी ज्ञान की विधि सहज सिद्धि को पा लेती है, प्राप्त करा लेती है, तो अप्राप्ति कभी महसूस नहीं होती है। तो बाप तो आज याद आ रहा था, बाप हम कहते हैं बाप, तो बाप से फौरन वर्षा याद आता है, वर्षे को देख, प्राप्ति को देख बाबा की याद आती है। तो बड़ी चल चल चिटचिट चल रही थी, कोई ने कहा मैं बाबा को बहुत याद करना पड़ता है, हमने कहा याद करना नहीं पड़ता है, प्राप्ति याद दिलाती है। ऐसे डॉक्टर ठीक है, प्राप्ति कई सारे दिन में आपको कई बातें सामने बाबा की याद दिलाती है, याद करना नहीं पड़ता है, कमाल है बाबा ये आपकी, बाबा कमाल है ये आपकी, ये याद दिलाना। अचानक कुछ भी होता है, सब सफलता होती है, सेवा जो सब सेवा करते हैं सफलता, बाबा आपने सफलता कराई, ये नहीं कि मैंने पुरुषार्थ किया तब सफलता हुई, नहीं सफलता बाबा ने, सफलता वंडरफुल है। हम बाबा की यादों में, यादों में मना डायरेक्शन से, यादों में मना डायरेक्शन से जो करते हैं, जो श्रीमत पर करते हैं, तो ऑटोमेटिकली बाबा की याद हम आत्माओं को क्या करती है, क्या करती है, परम धाम की याद दिलाती है। सेवा करते रहो, पर घर जा रहे हैं क्यों, घर का रास्ता भी मिला है, घर का है हमारा निर्वाण धाम है, हमको पता है हमारे घर में निर्वाण धाम। अब भी बहुत सारे दिन में खींचोती है वाणी से परे रहने की, माना घर हमारा निर्वाण धाम है ना, इसलिए खींचोती वाणी में आते हैं सेवा के अर्थ, वाणी में आते हैं सेवा के अर्थ, और कोई वाणी में आने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने देखा है वाणी में आने की जरूरत नहीं है, सब ड्रामा बनना पड़ा है, नई संयोगी सब सेवा वंडरफुल सेवा कर रहे हैं, सारे मधुबन में, पांडव भवन में, शांति वन में, कहीं भी देखो कितनी सेवाएं चल रही है, कितना कार्य कर रहा है। मन में निवन में जाओ, क्या सेवाएं हो रही है, हर एक सेवा कर रहे हैं, परंतु सेवा कर रहे हैं वो अपना पार बजा रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे तो घर जाना है, निर्वाण जाना, तो ये तो बना हुआ है ड्रामा, जरूर जाना है, सुबह जाना, मुझे अकेला नहीं जाना है, बाबा के साथ जाना है, बाबा को सबको ले जाना है, चलो जाना है तो हम चले जाए ना, नहीं ऐसे अलाउ नहीं है, जाना है तो बाबा के साथ जाना है, बाबा आया है लेने के लिए, बाबा तो बाबा पर सबको ले जाने वाले आया है, सारी सब आत्माओं को जाना है, सब धर्म वाले आत्माओं को जाना है। तो तब तक मुझे क्या करना है, निर्वाण धाम में जाने के लिए वाणी से पर रहने का,
ऐसे आदत डालनी है जैसे शिव बाबा पानी से पर रहता है, ब्रह्मा बाबा वाणी से परे वाणी में आते भी अव्यक्त रहता है, अभी हमको अव्यक्त वतनवासी होकर के रहना है ना, इसलिए बाबा ने अव्यक्त वतन में बैठ के हमको अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराने के लिए वाणी से पर रहते भी सेवा करने के लिए इतना निराकारी निरंकारी बनने के लिए कितने रोज पाठ पर आते हैं। ओके, ओम शांति, ओम शांति।